सानिया जी से बात करते हैं। सानिया जी नमस्ते। नमस्ते सर। सानिया जी आपने कई ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपने खेला है। आपको क्या लगता है कि टेनिस का चैंपियन बनने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी आप लोग उनके हीरो हैं और वो टेनिस सीखना चाहते हैं। जी सर, आई थिंक टेनिस एक ऐसा ग्लोबल स्पोर्ट है जिसमें जब मैंने स्टार्ट किया था 25 साल पहले, तो जाहिर ही बात है ज्यादा लोग टेनिस खेलते नहीं थे। लेकिन आज जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेनिस रैकेट उठाना चाहते हैं और जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और जो बिलीव करते हैं कि वो टेनिस में एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। उसके लिए आपको जाहिर ही बात है मेहनत की जरूरत होती है, सपोर्ट, लगन और बहुत बहुत सारी आई थिंक डेस्टिनी भी एक रोल प्ले करती है इसमें। लेकिन मेहनत के और टैलेंट के बगैर कोई भी चीज में कुछ नहीं होता, चाहे वो टेनिस हो या कोई भी स्पोर्ट हो। और अब फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे हो गए हैं 25 साल पहले से अब तक, तो अभी तो बहुत सारे अच्छे स्टेडियम्स बन गए हैं, हार्ड कोर्ट्स हैं। तो मैं उम्मीद यही है कि और सारे बहुत सारे टेनिस प्लेयर निकले इंडिया से इंशाल्लाह। ओलंपिक में आपके साथी अंकिता रैनी के साथ आपकी पार्टनरशिप कैसी चल रही है? आप दोनों की तैयारी कैसी है? अंकिता एक यंग खिलाड़ी है, बहुत बहुत अच्छा खेल रही है हाल में और आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले विथ हर। हम लास्ट ईयर खेले थे फेब्रुवरी में, जो फेड कप के मैचेस थे और उसमें हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू ओलंपिक्स। जैसे मेरा चौथा ओलंपिक्स है, उसका पहला ओलंपिक्स है, तो थोड़ा सा अभी मेरे उम्र के साथ यंग पैरों की जरूरत है, तो आई थिंक वो प्रोवाइड कर सकती है। सानिया आपने पहले भी स्पोर्ट्स के लिए सरकारी विभागों में के उसके कामकाज को भलीभांति देखा है, पिछले 5 6 साल में आपको क्या बदलाव महसूस हुआ है? जैसे मैंने कहा, आई थिंक 5 6 साल नहीं, अब जब से हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है सर, तब से आई थिंक कि बिलीफ जो आ गया है कि हमारे कंट्री में से क्रिकेटर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो देश के लिए नाम कमाते हैं और देश के लिए बहुत अच्छे देश को बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचाते हैं। आई थिंक वो बिलीफ धीरे धीरे लास्ट 5 6 साल में और भी बढ़ गया है। और आप तो गवर्नमेंट और से हमें हमेशा ही सपोर्ट मिलता है। मैं आपसे जब पर्सनली मिली हूँ, आपने हमेशा मुझे यही कहा है कि आप हर चीज में साथ देंगे। तो इसी तरह 5 6 साल में बहुत कुछ हुआ और लास्ट ओलंपिक से अब ओलंपिक्स तक भी काफी सारा फर्क है। मैं 2 साल ऑफ थी, जाहिरी बात है जब मेरा बच्चा हुआ था, तो लेकिन तब से लेके अब तक मैं जो लास्ट ईयर से आई हूँ, मुझे बहुत सारा फर्क नजर आया। सानिया आप चैंपियन भी हैं, फाइटर भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस ओलंपिक में ज्यादा बेहतरीन और सफल खिलाड़ी बनकर उभरेगी। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे सभी से बात नहीं हो पाई, लेकिन आपका जोश, आपका उत्साह पूरे देश के सभी लोग आज महसूस कर रहा है। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित देश के खेल मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, अब से कुछ दिन पहले तक खेल मंत्री के रूप में आप सबके साथ बहुत काम किया है, ऐसे हमारे वर्तमान कानून मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, खेल राज्य मंत्री हमारे यंगेस्ट मिनिस्टर हैं हमारी टीम के श्रीमान निशित प्रामाणिक जी, स्पोर्ट्स से जुड़ी संस्थाओं के सभी प्रमुख, उनके सभी सदस्य और टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी मेरे साथियों, सभी खिलाड़ियों के परिजन, आज हमारी वर्चुअल बातचीत हुई है, लेकिन मुझे और अच्छा लगता यदि मैं आप सभी खिलाड़ियों को यहां दिल्ली के अपने घर में होस्ट करता, आप लोगों से रूबरू मिलता। इसके पहले मैं हमेशा करता रहा हूं और मुझे मेरे लिए वो अवसर बड़ा उमंग का अवसर रहता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा है और इस बार आधे से अधिक खिलाड़ी हमारे पहले से विदेशों में उनकी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन वापिस आने के बाद
मैं आपको वादा करता हूं आप सबके साथ मैं जरूर सुविधा के अनुसार समय निकाल करके मिलूंगा, लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है, ओलंपिक का साल भी बदल गया, आपकी तैयारियों का तरीका बदल गया, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अब तो ओलंपिक शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, टोक्यो में भी एक अलग तरह का माहौल आपको मिलने वाला है। साथियों, आज आपसे बातचीत के दौरान देश को भी पता चला कि इस कठिन समय में भी देश के लिए आपने कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया है। पिछली मन की बात में मैंने आप में से कुछ साथियों के इस परिश्रम की चर्चा भी की थी। मैंने देशवासियों से आग्रह भी किया था कि वो देश के खिलाड़ियों के लिए, आप सभी के लिए चीयर करें, आपका मनोबल बढ़ाएं। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। हाल के दिनों में #cheerforindia के साथ कितनी ही तस्वीरें मैंने देखी हैं। सोशल मीडिया से लेकर देश के अलग अलग कोनों तक पूरा देश आपके लिए उठ खड़ा हुआ है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं। खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को देशवासियों से लगातार शुभकामनाएं मिलती रहे, इसके लिए नमो ऐप पर भी एक खास प्रावधान किया गया है। नमो ऐप पर जाकर भी लोग आपके लिए चीयर कर रहे हैं, आपके लिए संदेश भेज रहे हैं। साथियों, आपके साथ देश भर की भावनाएं जुड़ी हुई है, और जब मैं आप सभी को एक साथ देख रहा हूं तो कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही, और जब मैं आपको देखता हूं तो कॉमन बातें हैं बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। आप में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। आप में कमिटमेंट भी है, कॉम्पिटिटिवनेस भी है, यही क्वालिटीज न्यू इंडिया की भी है। इसलिए आप सब न्यू इंडिया के रिफ्लेक्शन है, देश के भविष्य के प्रतीक है। आप में से कोई दक्षिण से है, कोई उत्तर से है, कोई पूरब से है तो कोई पूर्वोत्तर से है, किसी ने अपने खेल की शुरुआत गांव के खेतों से की है, तो कई साथी बचपन से ही किसी स्पोर्ट्स एकेडमी से जुड़े रहे हैं। लेकिन अब आप सब यहां टीम इंडिया का हिस्सा है, आप सब देश के लिए खेलने जा रहे हैं। यही डायवर्सिटी, यही टीम स्पिरिट ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान है। साथियों, आप सब इस बात के साक्षी हैं कि देश किस तरह आज एक नई सोच, नई अप्रोच के साथ अपने हर खिलाड़ी के लिए साथ खड़ा है। आज देश के लिए आपका मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप खुलकर खेलें, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ खेल सके, अपने खेल को, अपनी टेक्निक को और निखार सके, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आपको याद होगा ओलंपिक के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन काफी पहले ही कर दिया गया था। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत सभी खिलाड़ियों को हर संभव मदद दी गई। आपने भी इसे अनुभव किया है। पहले की तुलना में जो बदलाव आज आए हैं उन्हें भी आप महसूस कर रहे हैं। मेरे साथियों, आप देश के लिए पसीना बहाते हैं, देश का झंडा लेकर जाते हैं, इसलिए ये देश का दायित्व है कि आपके साथ डटकर खड़ा रहे।
हमने प्रयास किया है खिलाड़ियों को अच्छे ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, बेहतर इक्विपमेंट के लिए। आज खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स से जुड़ी संस्थानों में आप सबके सुझावों को सर्वोपरि रखा, इसीलिए इतने कम समय में इतने बदलाव आ पाए हैं। साथियों, जैसे खेल के मैदान में मेहनत के साथ सही स्ट्रेटेजी जुड़ जाती है तो जीत पक्की हो जाती है, यही बात ग्राउंड के बाहर भी लागू होती है। देश ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियान चलाकर मिशन मोड में सही स्ट्रेटेजी से काम किया तो परिणाम भी आप देख रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। पहली बार इतने ज्यादा खेलों में भारत के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कई खेल ऐसे हैं जिनमें भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है अभ्यासात जायते नृणाम द्वितीय प्रकृति ही, अर्थात हम जैसा अभ्यास करते हैं, जैसा प्रयास करते हैं, धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव का हिस्सा हो जाता है। इतने समय के से आप सब जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सबको देखकर, आपकी इस ऊर्जा को देखकर कोई संदेह बचता भी नहीं है। आपको और देश के युवाओं का जोश देखकर ये कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब जीतना ही न्यू इंडिया की आदत बन जाएगी। और अभी तो ये शुरुआत है। आप टोक्यो जाकर जब देश का परचम लहराएंगे तो उसी पूरी दुनिया देखेगी। हां, ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके परिवारजनों को मेरा विशेष प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संपूर्ण खेल जगत की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सर, आपके मार्गदर्शन से हमारे खिलाड़ी बहुत उत्साहित हुए हैं। धन्यवाद।